स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे पेज CKP लाइव में। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज जो है टोकलो रोड में एक प्रो जिम का ओपनिंग हो रहा है, जिसका सर्व भैया ओपनिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे जैसा कि फीता कट चुका है और अब मैं आप लोगों को जिम को दिखाऊंगा, और जिम को दिखाने के बाद इस जिम के बारे में भी बताया जाएगा क्या है कैसा है। तो सबसे पहले जिम का फर्स्ट लुक यहाँ पे आप लोगों को, सबसे मैं पहले गेस्ट को दिखा देता हूँ कौन कौन गेस्ट यहाँ पे आए हैं, उसके बाद मैं पूरी जिम को आप लोगों को दिखाऊंगा। क्योंकि मेरा मानना है कि ये जिम जो है वो चकरदापुर का सबसे बेस्ट जिम है अब तक का प्राइवेट जिम में। इससे पहले हमने बहुत सारा जिम देखा, जैसा कि सिरसा का एक अपना जिम है, उसके बाद एक और सिरसा का ही जिम है, दो जिम है और प्राइवेट भी बहुत सारे जिम है यहाँ पे। बट मैं आप लोगों को दिखाऊंगा ये जिम यहाँ से। तो सबसे पहले यहाँ पे आज प्रोग्राम है, सर्व भैया को मैं फोकस करना चाहता हूँ थोड़ा सा। थोड़ा सा देखिए साथ में आएंगे तब तो भाई ये लोग ले रहे उधर के सामान भी देखते हैं। तो गैस जैसा कि आप लोगों को मैं फिर से एक और बता दूं, प्रो फिटनेस के नाम से यहाँ पे एक जिम को ओपनिंग किया गया है और ये काफ़ी अच्छा मैनेजमेंट के साथ है और सारा चीज़ यहाँ पे ऑटोमेटिक है। जैसे आप देखते हैं चकरदापुर की बाकी सारे जिमों में वो मैनुअल होता है, बट यहाँ पे जो कुछ भी है वो सारा ऑटोमेटिक है। तो आज फीता काटने के लिए सर्व भी आए हैं, अभी अभी जस्ट ये बाहर से आए हैं एक प्रतियोगिता को जीत कर। अभी थोड़ा सा हम सर्व भैया को फोकस करेंगे, उसके बाद फिर क्या है कि मैं आपको जिम का एक एक चीज को दिखाऊंगा, आप हमारे साथ लाइव में जुड़े रहेंगे। लोकेशन जो है इसका वो टोकलो रोड पे है। आप टोकलो रोड जैसे ही आएंगे विकास फैक्ट्री से थोड़ा सा आगे आप आएंगे। तो अभी मैं जिम का एड्रेस के साथ टोटल चीज आपको डिटेल में डाल दूंगा, आप ये जिम का टोटल डिटेल्स को मैं एड्रेस के साथ ये आपको अभी मैं दूंगा डिस्क्रिप्शन। जल्दी जल्दी में हम लाइव स्टार्ट किए तो एड्रेस नहीं डाल पाए, बट अभी थोड़े देर में मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगा। और कोई भी आपकी क्वेरीज है तो आप हमें पूछ सकते हैं। सो गाइस जैसा कि हमें पता चल रहा है और हम देख भी रहे हैं कि चकरदापुर का अब तक का सबसे बेस्ट जिम है।
ये तो हम लोग का जो नया दिन है ना उसी में बेहतर है सिस्टम से उससे अच्छे लगे उससे अच्छे लगे उससे अच्छा भी चलेगा ठीक आज जो आप लोग जो हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं आप जिम देख रहे हैं एक बार प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं कि आपको जिम कैसा लग रहा है और क्या क्या इसमें नई चीज़ होनी चाहिए जबकि हमारे हिसाब से तो सभी कुछ है इस जिम में सारा चीज़ है बट आप भी कमेंट कर सकते हैं और हमें बता सकते हैं। आप लोगों को पता है कि चकदापुर से रिलेटेड किसी भी चीज़ का जो भी ओपनिंग होता है यहाँ पर हम इसको लाइव आपके साथ दिखाते हैं तो आज हमने सोचा कि इस जिम का भी लाइव आपको ज़रूर दिखाएं। इस जिम के बारे में आप लोगों को बता दूं गाइस कि इसका फीस भी बहुत कम है जैसा कि काफ़ी लोगों का शिकायत रहता है कि सिरसा का जो जिम है उसमें फ़ीस काफ़ी ज़्यादा है तो ये एक प्राइवेट जिम है और इसका फ़ीस भी बहुत ही मतलब रीज़नेबल है तो आप आए ज़रूर से और एक बार आ कर के देखें यहाँ पे। सो गाइस एक चीज़ आप लोगों को और बता देता हूँ कि इस जिम में लेडीज़ के लिए भी है वो लोग भी आके यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे कि प्रॉब्लम होता है चकरदापुर में लेडीज़ के लिए कोई वैसा जिम नहीं था तो अब जो हमारी बहुत सारी ऐसी व्यूवर्स है जो फीमेल हैं हाँ वो जो हमारी फीमेल्स जितने भी हैं वो आ करके यहाँ पे जिम कर सकते हैं और ये जिम जो है वो फुली एसी है। ये गर्मी में आप लोगों को यहाँ पे एसी भी मिलेगा तो जितने भी ओवरऑल फैसिलिटीज़ होते हैं वो सारे हैं इस जिम में। और यहाँ पे जैसा कि इन लोगों ने बताया कि एक ट्रेनर भी अवेलेबल रहेगा तो और क्या चाहिए ये सब चीज़ तो मिल ही रहा है। ये नहीं रखा जाएगा ये नहीं मन मत ये थोड़ा गैप ज़्यादा आ गया इसमें 20 वाले में बस 35 को ऊपर निकाल बस सर इसका जो लोकेशन है वो टोकलो रोड में है विकास फैक्ट्री से थोड़े से आगे प्रेरणा कोचिंग है उसके बाद ये है।
इसमें गोल लेके आया, ठीक है, इंडोनेशिया से गोल लेके आया 1 month पहले, अभी 10 दिन पहले तो जैसा कि गैस आप लोगों को बता दूं कि बहुत खुशी की बात है, जो हमारे सामने ये जो शख्स देख रहे हैं सरो भैया, वो साउथ कोरिया से अभी 10 दिन पहले मिस्टर वर्ल्ड जीत कर आए हैं गोल्ड, मिस्टर एशिया, राइट? 10 दिन नहीं, एक मेरा उससे 1 month में दो ये दो अचीवमेंट है। अच्छा, एक सेकेंड प्लेस है, गोल्ड है ना। तो सर थोड़ा इंटरव्यू करना चाहते हैं हम आपको अबाउट जिम और आपके बारे में भी। थोड़ा पानी है थोड़ा पानी पानी है तो कोई बात है, पानी है, पानी नहीं तो कोई बात नहीं है, पानी है। सो गाइस, एक हम लोगों के लिए गैस एक बहुत अच्छी बात है कि हमारे चकरदरपुर में ऐसे ऐसे लोग हैं जो हमारे चकरदरपुर का नाम रोशन कर रहे हैं पूरे वर्ल्ड में, इवन मिस्टर एशिया, उसके बाद फिर वर्ल्ड में सेकंड प्लेस, तो बहुत अच्छी बात है ये। मैं अभी चलता हूँ उनके पास, थोड़ा उनका इंटरव्यू करता हूँ और इस जिम के बारे में भी आप लोगों को बताऊँगा यहाँ पे क्या क्या चीज़ है, क्या क्या फैसिलिटीज़ है। सो आप हमारे साथ बने रहें, हमारे साथ मेरे मित्र जेसन भी है। एक बार मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, यहाँ पे एक ऑटोमेटिक ट्रेडमिल है जो काफ़ी अच्छा सा, मेरे को तो सबसे अच्छा यही लगा है अब तक, सबसे पहला और सबसे अच्छा। ये ऑटोमेटिक ट्रेडमिल है यहाँ पे, अब तक मैं चकरदरपुर के कोई भी ऐसे ओपन पब्लिक जिम में ये नहीं देखा हूँ। तो क्या बोलते हैं स्पिन बाइक, ये यहाँ पे दो दो है, मतलब दो है यहाँ पे, आप यहाँ पे आए। और सबसे अच्छा जो हमारी फीमेल व्यूअर्स हैं जो बहुत सारी पूछती हैं हमेशा कि जिम कहाँ पे जाना सही रहेगा, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पे फीमेल के लिए अलग से इंतज़ाम है, आप आ सकती हैं, आपका टाइमिंग अलग होगा, आप यहाँ पे आके जिम कर सकती हैं, फिट रह सकती हैं। तो गैस चकर रेडी, आप बोलो क्या पूछना है, अभी क्या कहना चाहता है और हमसे क्या सुनना चाहता है, मतलब ऐसा जी। सबसे पहला ये लाइव चल रहा है, ठीक है, सीकेपी लाइव में हम लोग लाइव चला रहे हैं, तो ये है कि आप जिम को ओवरऑल देख लिए, आपको कैसा लगा जिम और क्या क्या ये है और लोगों को यहाँ पे क्या क्या फ़ायदा पहुँच सकता है, जैसे कि आप इस चीज़ से जुड़े हुए हैं और आपको चकरदरपुर के बारे में सब पता है, कौन जिम कैसा है और यहाँ पे कितनी फैसिलिटीज़ मिलती है, तो यहाँ पे आपने देखा, सो हमें थोड़ा सा इस जिम के बारे में आप बता दें। ये हम सबसे पहले हम बहुत कुछ जिम देखे, जो मेरा दोस्त है रविंदर PNC से, अभी साथ में हम लोग एक साथ किया करता था जी, अभी अभी वो है PNC होके, इतना जल्दी उसने ये जिम हम खोला बोल के सुनाया, खबर तो हमको बहुत खुश हुआ, बहुत खुश लगा कि पहला से बोले उसने कि हमको एक जिम खोलना है जी। उसकी बात सबसे पहले बात ये है, हमको तो विश्वास नहीं किया था कि अभी खुद हेल्थ को बनाना चाहते हैं अपना प्रोफेशनली, तो एज ए प्लेयर होके वो अपना बिजनेस के बारे में ज़्यादा नहीं, सबसे पहले लोकेलिटी को जैसा हेल्प करे, जैसा बॉडी बना के सबको बॉडी बना के अच्छा काम में रह जाए, और कुछ भी काम में मतलब 24 आवर में जैसा हम लोग कुछ भी काम करता है जिम करना भूल जाता है, शरीर के बारे में सोचने भूल जाता है जी। तो ये सोच रहा है कि कम से कम 24 आवर के अंदर 24 घंटे के अंदर में आधा घंटा कम से कम अपना शरीर के बारे में सोचे, वो चाहते हैं, वो सबसे पहले वो हमको बोले थे, तो हमको बहुत खुश लगा। और हमारा ओपिनियन, हमारा मतलब ये कहना चाहूँगा कि जिम जरूर करना चाहिए जी, हर इंसान बोले तो वर्ल्ड वाइड में अभी अभी तक जैसा ऑर्डर लो अब तक 55 ओवर में जिम करते हैं, हाँ। क्योंकि अपना उम्र को और एक्सटेंड करने के लिए जैसा मेरे हिसाब से करना चाहिए, प्रोपोर्शनली नहीं अपना फिजिकली अपना मेंटली रखने के लिए
कि जिम करने से आपको ब्लड सर्कुलेशन जो नॉर्मल रहेगा जी ऑटोमेटिकली आपका हेल्थ सही रहेगा, हेल्थ के बारे में एवरीथिंग जी, जैसा हम लोग का ब्लड सर्कुलेशन, जैसा हम लोग का मेंटेनेंस, जैसा मेमोरीज जी, ऐसा कुछ भी खाएंगे तो डाइजेशन होगा क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन ऑटोमेटिक फास्ट है जी। इसके बाद कुछ भी काम में वो लेजी नहीं रहेगा, शरीर भी ठीक ठीक रहेगा, अंदर का हर पार्ट को हमेशा तस करके रहने के लिए जिम बहुत जरूरी है जी। खाली वॉकिंग करके रनिंग करने से नहीं होता है भाइयों, मेरे तरफ से ये कहना चाहूँगा कि जरूर ज्वाइन कीजिए। जैसा हम लोगों सब बिजी रहता है रहने का स्टाफ, जैसे 8 घंटा ड्यूटी में कुछ काम नहीं कर पाता है, जैसे घर फैमिली भी देखना पड़ता है जी, कभी अपना कुछ पर्सनली जैसा खाने पीने का अपना बच्चा का जैसा ख्याल नहीं, ऐसा हो जाता है, टाइम पार हो जाता है। जैसे मेरा रिक्वेस्ट है जी, जितना भी हो जो भी हो 24 आवर्स के अंदर में 40 मिनट्स ज़्यादा से ज़्यादा आप जिम के लिए एक्सपेंड कीजिए टाइम, आपको शरीर बनाइए, आप खुश रहिए और आपका लाइफ को एक्सटेंड कीजिए, आप उम्र को, वही कहना चाहता है। अच्छा, और ये जिम के बारे में बोले तो अभी जिम बहुत बढ़िया है, हमने देख लिया ऑलरेडी, डंबल से लेके सीमित मशीन जितना भी हम लोग का साइकिलिंग वगैरह का ट्रैक मिल, ये सब कंफर्टेबल है, अभी ये सब ब्रांडी है, चिकन भी में हमने पहली बार देखे। और ऐसा जिम में हम लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कहाँ पर करोगे? बिल्कुल, कि चिकन भी में इतना बड़ा जिम अभी हमने देखे है, मतलब इतना छोटा जगह में पहली बार हम ये देखे, बहुत खुश हुआ, अच्छा लगा। तो एक बार आप मेरे को ये सब के बारे में बता दो, क्योंकि बहुत लोग पूछ रहे हैं कि क्या क्या है, और आपको भी कांग्रेस कर रहे हैं, आप एक बार व्यूवर्स को थैंक यू बोल दीजिए। थैंक यू वेरी मच रविंद्र भाई, आज ऐसा मौका मिला मेरे को, तुमने मेरे को यहाँ तुम्हारा जिम ओपनिंग के लिए बुलाया, इससे बेहतर हम और खुश नहीं हो सकते। बिल्कुल, धन्यवाद। ओके, ठीक है। तो गाइज, आप लोगों को जैसे पता है कि फिटनेस के लिए एटलीस्ट कम से कम 40 मिनट निकाले, हमें भी निकालना होगा। और यहाँ पे काफ़ी लोग आए हुए हैं जो इस जिम को देख रहे हैं, और काफ़ी सारा यहाँ पे एडमिशन भी हो गया है। अब आप लोग जो भी इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं वो आए, और एडमिशन चालू हो गया ना भैया, एडमिशन चालू हो गया। और ख़ासकर फीमेल के लिए भी यहाँ पे है, फीमेल भी कर सकती हैं आकर जिम। तो और एक ट्रेनर भी रखा जाएगा ना, ट्रेनर है, और फिर गर्मी में आप लोगों को एसी भी यहाँ पे मिलेगा। तो ओवरऑल जो कुछ भी चकरदरपुर में नहीं था वो हो गया। तो एक बार मैं फिर से आप लोगों को जिम का लुक दिखा देता हूँ, एक जिम का लुक मैं यहाँ से खड़े होकर के आप लोगों को दिखाता हूँ एक एक चीज़ को। सो ये एंट्रांस से लेफ्ट में है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये आप सामान सब जिम का देखें, जो जो मशीन है वो देखें, यहाँ पे ओवरऑल जितना मशीन होना चाहिए एक जिम में वो सारा मशीन है यहाँ पे। मतलब ऐसा जिम चकरदरपुर में अब तक नहीं था, ना मैंने देखा था, ना मुझे यकीन है कि आप लोगों ने भी नहीं देखा होगा। तो अभी मैं क्या है कि इस जिम को पूरा अच्छे से दिखा रहा हूँ, उस टाइम काफ़ी भीड़ था, काफ़ी लोग थे, तो मैं उतने अच्छे से नहीं दिखा पाया। यहाँ पे वॉशरूम भी है, सो बाकी चीज़ का भी इंतज़ाम है यहाँ पे। सारा इंतज़ाम है यहाँ पे। यस एग्जैक्टली मैन, और स्टैंडिंग जिम मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा, और टाइम मिलने से हम भी ज़रूर आएंगे इस जिम में। और यहाँ से आप ऋषि सिकदार जी, ये यस यस इज दिस बोथ फॉर मैन एंड वुमेन, यस राइट। सो ये सीकेपी में टोकलो रोड में है,
आप विकास फैक्ट्री से थोड़े से आगे आएंगे तो वहाँ पे है, ये बाहर का सीन है। आप यहाँ से, मैं एक बार बाहर को भी आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये बाहर का, यहाँ से आप जिम करते करते बाहर भी देख सकते हैं। ये रास्ता है टोकलो रोड, टोकलो रोड से मंडल साई जाने वाला रास्ता है ये, उसी के बीच में ये जिम, गोल चोकड़ा रोड ना, इस रोड को क्या बोलते हैं, टोकलो रोड ना, यस। तो यहाँ पे गाइस काफ़ी अच्छा ओवरऑल, मतलब इतना अच्छा जिम तो सीकेपी में नहीं था। मैं एक चीज़ तो आप लोगों को बता रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे जिम थे जो यहाँ पे 500-600 रुपये फीस ले रहे थे, बट क्या है कि उतना कुछ था नहीं सामान उनके पास, लेकिन बोलते हैं कि ऑप्शन नहीं था यहाँ पे। और यहाँ का फीस जो है वो कम है, वो कितना है वो मैं अभी आप लोगों को, हाँ अभी मैं आपको डिटेल में बता दूंगा कितना फीस है और क्या है। तो गैस अभी मैं बताता हूँ आप लोगों को यहाँ का, आप थोड़ा सा जिम को देखें यहाँ पे थोड़ा, और कुछ अगर आपकी क्वेरीज है तो पूछें, फिर मैं आप लोगों को फ़ीस के बारे में और एडमिशन फ़ीस भी बता दूंगा। और आप लोगों को बता देता हूँ ये मेल फीमेल दोनों के लिए है यहाँ पे, मतलब फीमेल भी आकर जिम कर सकती है, उनका टाइमिंग अलग रहेगा। थोड़ा हम भी बॉडी देख लेते हैं, भैया अभी काफ़ी भीड़ हो गया है और काफ़ी लोग आकर देख रहे हैं, और बहुत सारा एडमिशन भी हो चुका है जैसा कि हमें पता चला है। एज फॉर एडमिशन, इसमें एज क्या होता है जिम का, एज आप, मुझे तो लगता है 14 के बाद से कर ही सकते हो। सो गाइज मैं इस जिम का किसी एक बंदे को पकड़ता हूँ और पकड़ के आप लोगों को डिटेल बता देता हूँ कि क्या है नहीं है। तुमको बहुत पता है नहीं, 14 साल है कि 15 साल है। देख लो गाइस यहाँ पे कुछ बंदे अभी एक मिनट डंबल मार करके वो अपना हैंड चेक कर रहे, तो एक मिले हैं अभी मुझे, वो आपको फीस और सारा चीज़ बता देते हैं। तो भैया आप यहाँ पे आ जाइए, तो सबसे पहले तो स्वागत है सीकेपी लाइव में आपका। सभी सदस्य जो, मैं मतलब ये बहुत सारे ऐसे लोग हैं हमारे व्यूवर्स जो जानना चाहते हैं कि यहाँ का फीस कितना है और क्या क्या फैसिलिटीज़ यहाँ पे दी जाएगी। फीस एक्चुअली एडमिशन चार्जेस 500 रुपया है और मंथली 400 रुपया है। मतलब एडमिशन का जो चार्ज है वो 500 रुपया है, है ना, और मंथली फीस 400 रुपया है। यदि आप 3 महीने एक संग यदि आप फीस देते हो तो 1200 की जगह आपको 1000 रुपया ही देना। अच्छा, तो एक और यहाँ पे फैसिलिटीज़ है कि अगर आप 3 महीने के लिए एडमिशन पहले ही ले लेते हो तो जैसे कि 4 या 12 हो रहा है तो आपको 1000 रुपया ही देना पड़ेगा, मतलब 3 महीने का फीस जो है वो 1000 ले, है ना। ठीक है, यदि साथ में 3 महीने का फीस पे करते हैं। और एक चीज़ है, जैसे हमारा एक यहाँ पे एक क्वेश्चन आ रहा है कि ट्रेनर अवेलेबल होंगे यहाँ पे? हाँ, ऑलवेज ट्रेनर एक रहेंगे। अच्छा, हमेशा एक ट्रेनर रहेंगे, और एसी का भी फैसिलिटी है। और फीमेल के लिए, फीमेल के लिए टाइमिंग हम लोग अलग, मतलब फीमेल के लिए है ना यहाँ पे ऑलवेज अवेलेबल है, बट टाइम
टाइम शेड्यूल्ड अलग रहेगा, वो बता दिया जाएगा कितने से कितना है, या अभी आप बता सकते हैं? हाँ अभी बता सकते हैं। कितना से कितना है टाइम? लड़की लोग का है 9 से 11, सुबह 9 से 11, ठीक है, शाम में 3 से 5। शाम में 3 से 5। तो गैस जो हमारी फीमेल व्यूवर्स हैं, मैं उनको बता दूं कि आप लोग यहाँ पे जिम कर सकते हो, जैसा कि काफ़ी ने अभी सवाल कर रहा था, तो आपको मैं टाइमिंग बता देता हूँ कि सुबह के 9 से 11 आप यहाँ पे जिम कर सकती हैं, और फिर शाम में 3 से 5, ये दोनों टाइमिंग है, तो इसमें आप कर सकती हैं। फैसिलिटी अवेलेबल है इधर पे, वुमेंस या हाँ गर्ल्स आए सबके लिए, मतलब ट्रेनर है पर्सनली, आपको बहुत हाई लेवल के फैसिलिटी मिलेंगे जी। और आप लोग का यदि आशीर्वाद से यदि हम और कुछ यदि सक्सेस होता है, आप लोग चाहे तो और भी हम लोग डेवलप कर सकते हैं इसमें, आप लोग को कुछ कमी है तो आप लोग बोलिए, हम लोग उसको और डेवलप करने की कोशिश करेंगे जी। सर जैसा कि पता है कि हाँ पार्किंग में और पूरे जिम में CCTV है, तो उससे डरने की ज़रूरत नहीं है, CCTV यहाँ पे लगा हुआ है, एवरी फैसिलिटी अवेलेबल है, मैं बोल सकता हूँ इस चीज़ को, क्योंकि हमने भी इस जिम का विजिट किया है और एक एक चीज़ को अच्छे से जाना है, तो यहाँ पे जो है वो आप लोगों को सारी फैसिलिटीज़ मिल रही है। सबसे पहला बात तो ये जो जिम जिनका है वो एक नेशनल लेवल प्लेयर है जी, तो वो स्पोर्ट्स को अच्छी तरह से वाकिफ है इस चीज़ को। इधर पे हम लोग का मकसद है जो हम फिट तो इंडिया फिट, सही बात है, ये चीज का सबसे बड़ा मकसद है हम लोग का, जो भी हम लोग जो कर रहे हैं मोटिव है जो हम लोग एक सेकंड एक बार आप लोगों को दिखा देते हैं सर्व भैया को, सर्व भैया एक बार दिखा दीजिए आप हमारे व्यूवर्स को, काफी आपका नाम हो रहा है। सो गाइज चलिए वापस से चलते हैं इंटरव्यू की तरफ। तो भैया और जैसा कि एडमिशन अब तक का कितना हो गया? बहुत सारे एडमिशन्स हो गए ना, 40 प्लस अभी तक, और आ गया है। स्ट्रेंथ कितना है? हाँ इतना सस्ता जो प्राइस है, मतलब जैसा कि अभी काफ़ी लोगों ने यहाँ पे मेरे को बताया ओनली मंथली 400, और इतना सारा फैसिलिटीज़ कहीं पे नहीं मिलेगा आपको, ये जिम वाले भी चैलेंज कर रहे हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं अगर 3 महीना का आप एडमिशन लेते हैं तो मात्र 1,000, तो बहुत कम हो गया, आप समझ सकते हैं इसको, और इतना सारा फैसिलिटीज़ है यहाँ पे, और अब तक एक दिन में रिकॉर्ड बनाया है 40 एडमिशन हो चुका है। सर यहाँ पे एडमिशन का जो स्ट्रेंथ है वो कितना है, मतलब कितने लोग 300 ले सकते हैं आप लोग? ओके गाइस, तो हमारा ये मकसद है जो मतलब ये जो जिम के ऑनर है वहाँ कोई भी हमारे सब स्पोर्ट्समैन है जी, तो उसका मकसद यही है जो हम फिट तो इंडिया फिट, हमारा फिटनेस के लेके जो जागरूकता है इंडिया में वो फैलाए, और हम लोग यदि हम लोग को सक्सेस बनाते हैं तो और भी इसके ब्रांच खुलेंगे। बिल्कुल गाइस, अगर आप सपोर्ट करते हैं तो इनका कहना है कि ये इसके ब्रांचेस और भी जगह खोलेंगे, जैसे कि मेन रोड में और अलग अलग जगह पे इसके ब्रांचेस खुलेंगे प्रो फिटनेस जिम के, तो आपको सपोर्ट करना है। एक्चुअली इनका मैसेज यही है जैसे सर्व भैया ने बताया कि कम से कम अपने हेल्थ के लिए, आप सबके लिए टाइम निकालते हैं अपने हेल्थ के लिए, एटलीस्ट 40 मिनट्स तो ज़रूर निकाल सकते हैं, है ना? ओके थैंक यू सो मच। सो अभी मैं चलता हूँ, जो लोग हैं यहाँ पे उनसे थोड़ा इंटरव्यू करता हूँ, उनका रिव्यू जानता हूँ, ठीक है? देखिए भैया, हेलो, थोड़ा सा एक सवाल करना है आपसे, आप बताएं यहाँ पे, जैसे कि मैं बहुत देर से देख रहा हूँ कि आप जिम में आ रहे हैं और लगता भी है कि आप जिमर हैं, जिम करते हैं, तो आपको कैसा लगा ये जिम, हमारे व्यूवर्स को बताएं, जेन्युइन रिव्यू बताएं। ये जिम जो है और जिमों से तो बहुत बेटर है जी, ये नया मशीन है, नया सारा सामान है जी, सब कंफर्टेबल है जी, और सभी बहुत बेटर है जी, और इससे बेटर जिम ठीक है मेरे को नहीं लगता अभी कहीं है चकतर जी, और इस पे जो भी ट्रेनिंग करेगा जी इतना तो है बढ़िया होना ही होना है। अच्छा, और मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ यहाँ के जितने भी लोकल है जी, कम से कम समय दे के आधा घंटा भी जिम में दे और ट्रेनिंग करे, क्योंकि जिम ही एक ऐसा चीज है जो हमेशा बॉडी को फिट रखता है। इतना प्राइस में आपको लगता है कि कहीं पे मिलेगा इतना कम फी में? मैं जितना सुना हूँ जी रेट, मुझे नहीं लगता कि 400 मंथली है जी, मैंने पूछा था भैया से, मुझे बताया है, और मुझे नहीं लगता है कि इतना कम में इससे बेटर जिम मिलेगा कहीं पे, ये सबसे ही बेटर लगा मुझे। अच्छा, मैं लोग जो जिम में ट्रेनिंग करता हूँ, हम लोग वो जिम में भी है लेकिन
इतना कम नहीं है। अच्छा, इससे बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूँ। ओके, थैंक यू। तो मेरे यहाँ पे एक, तो आपको कैसा लगा ये जिम, और थोड़ा जिम के बारे में बोल सकते हैं? ये सिकिपी में सबसे बेटर जिम है। अच्छा, यहाँ का वातावरण अच्छा है, यहाँ का खुला हुआ आप देख सकते हैं, वहाँ से ये वहाँ से खुला हुआ आ सकता है। हाँ, सबसे चीप में अच्छा जिम है सिकिपी। आप आएंगे यहाँ पे करने के लिए? मैं आऊँगा यहाँ पे करने के लिए। अच्छा, तो आप जैसा कि पता है कि आप ट्रेनिंग भी देते हैं, तो आप किसी को हेल्प भी कर सकते हैं? हाँ, मैं कर सकता हूँ, अगर भैया बोलेंगे तो मैं यहाँ ज्वाइन कर सकता। अच्छा, ठीक है, चलिए, बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू। सो गैस, यहाँ पे ये एडमिशन फॉर्म है शायद, मेरे को लग रहा है ना, एडमिशन यहाँ पे चल रहा है, और एडमिशन का जो प्रोसेस है वो शुरू हो गया है, तो काफ़ी लोगों में उत्साह है। सर, आपको जिम कैसा लगा ये वाला? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सिकेपी में पहला ऐसा जिम खुला जी, जो कि सामान से पूरा लेस है, कम में सस्ता में बढ़िया है। हाथ मत दर्द करा लेना भाई। हाँ, अच्छा, करते हो, इधर आओ। फिर अब बताओ, ये जिम आपको कैसा लगा? इससे पहले आप कहाँ पे करते थे? रांची में करते थे। अच्छा, तो ये जिम आपको कैसा लगा? अच्छा लगा। 400 रुपये फीस कैसा है? सही है, बहुत सही है ना, मतलब ओवरऑल अगर आप जेन्युइन रिव्यू दोगे तो ये सही है। चलो ठीक है, तो मैं दूसरे लोगों से भी पूछ रहा हूँ, यहाँ पे भी कुछ लोग बैठे हुए हैं, मैं इनका इंटरव्यू करना चाहता हूँ। आपको ये जिम कैसा लगा? बहुत अच्छा है, चक्रधरपुर में सबसे बेस्ट जिम है अभी तक का हमको लग रहा है। जैसा कि रेलवे में भी हमको लगता है कि ऐसा सामान नहीं है, ऐसा सामान नहीं है। हम गए, जा चुके हैं रेलवे में, लेकिन ऐसा सामान नहीं लगा। अभी आप कहाँ पे करते हो? अभी हम रिटायर्ड कॉलोनी में, रिटायर्ड कॉलोनी के हुए हैं। दादा के यहाँ? हाँ, दादा रिटायर्ड कॉलोनी में, हालांकि वहाँ भी ज्वाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो है सब कुछ परफेक्ट। थोड़ा डिस्टेंस हो रहा है, ठीक है, घर से बहुत ज्यादा। तो आपके घर में तो जिम नहीं ना खुल सकता है? ऐसा बात थोड़ी है, हम ऐसा बोल रहे हैं क्या? तो फिर बोल रहे हैं कि, और जो फीस है 400 रुपये, बहुत बहुत रिजनेबल, एकदम नॉर्मली, एकदम सबसे अच्छा है। 400 बहुत ज्यादा नहीं है, और 3 मंथ का है तो 1000, एंट्री फी है 500, और ट्रेनर भी दे रहे, एसी भी दे रहे, एवरीथिंग अवेलेबल इन दिस जिम। यस, सब कुछ। फीमेल आल्सो कैन ज्वाइन? सब सब फीमेल के लिए अलग टाइमिंग है। अपना बताइए, आप ज्वाइन कब से कर रहे? खाली हम ही लोग कर लेंगे क्या? मैं बता चुका हूँ। हाँ, आपका ले लेते हैं। मैं बता रहा हूँ कि मैं भी जिम को ज्वाइन करने, ठीक है। तो गैस, अभी क्या है कि मैं इस जिम को एक बार आप लोगों को नीचे से दिखा देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका आने में यहाँ पे प्रॉब्लम होगा, तो मैं आप लोगों को नीचे से भी इसका लोकेशन दिखाता हूँ, और दिखाने के बाद ये बता, और आप लोगों को एक एड्रेस भी दे देता हूँ। सो गैस, प्लीज़ हमारे साथ बने रहें। तो ये जो रास्ता है, ये टोकलो रोड का रास्ता है, आप लोगों को बता दो। मैं आप लोगों को एक बार दिखा देता हूँ नीचे से भी जिम को, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको शायद आने में प्रॉब्लम होगी। जल्दी भाग के लेके आने, ये देखिए, ये रोड है टोकलो रोड, और यहाँ से मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये रास्ता है जो चकदपुर से आता है यहाँ पे टोकलो रोड, और मंडल साई का ये रोड है, ये आगे मंडल साई का रोड है, और ये जिम है। ओवरऑल मैं यही दिखाना चाह रहा था आप लोगों को, प्रो फिटनेस जिम। सो यहाँ पे है कार्डियो जिम, क्रॉसफिट, जुम्बा, योगा, प्रोफेशनल ट्रेनिंग, फूड सप्लीमेंट एंड न्यूट्रिशंस। सो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि कैसा लगा, क्योंकि हमारा काम यह है कि चकदापुर में कुछ भी नया खुलता है या चकदापुर से रिलेटेड कुछ भी होता है तो वो हम आपके साथ अपडेट्स देते हैं। और नीचे बहुत सारे गेस्ट्स आए हुए हैं, गेस्ट्स यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो गाइस, मैं इस वीडियो को यहाँ पे क्लोज करता हूँ, और कुछ आपकी क्वेरीज होगी और एड्रेस होगा तो मैं अभी बता दूंगा आप लोगों को। चलो, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट।